दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपको सीधा सीधा जाना है जो रेड स्क्वायर का गेट है, और वहाँ से आप जा सकते हैं टुवर्ड्स दी क्रेमलिन। अभी यहाँ से बस वो 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ही है क्रेमलिन। मोस्टली यहाँ का राष्ट्रपति भवन है, लाइक दी पार्लियामेंट हाउस ऑफ रशिया, जहाँ पे पुतिन भाई साहब रहते हैं। क्रेमलिन के अंदर जाने के लिए भी आपको टिकट चाहिए होता है, तो अभी बहुत लंबी लाइन लगी हुई है जिसमें मुझे भी अब खड़ा होना पड़ेगा। तो चलिए पहले टिकट वगैरह कलेक्ट करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ बाकी सब चीज़ें। सो क्रेमलिन के अंदर म्यूजियम भी है, और क्रेमलिन का जो पैलेस है वो देखने के लिए आपको 1000 रूबल्स देने पड़ते हैं, जो कि अराउंड 1100 रुपये तक पड़ता है। तो अभी यहाँ दिख रही है मुझे बहुत लंबी लाइन, पहले लाइन में लगना होगा, उसके बाद एंट्री करने वाले लाइन में भी लगना होगा। तो दो लाइन क्रॉस करने के बाद मैं पहुँचूंगा टुवर्ड्स दी क्रेमलिन। 1 घंटा रुकने के बाद टिकट्स की लाइन में, और जो वहाँ की आर्मरी थी, आर्मरी के टिकट्स ख़त्म हो गए। सो मैंने क्रेमलिन के जो कैथीड्रल्स का टिकट है जिसके लिए आपको 700 रूबल देना पड़ता है, वो मैंने ले लिया है। और हाँ, अभी मैं भर रहा हूँ टुवर्ड्स दी कैथीड्रल्स। 700 रूबल्स में आपको इसका एक्सेस मिल जाता है। अगर आप सिर्फ क्रेमलिन स्क्वायर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 250 रूबल देने पड़ते हैं। तो मैंने सोचा यहाँ पर आ ही गया हूँ तो क्रेमलिन का कैथीड्रल वगैरह भी देख लूँगा, और साथ में क्रेमलिन स्क्वायर वगैरह। सो चलिए अभी मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ। तो मैंने उठा लिया एक हॉट डॉग, और ऐसे ही चलते चलते आपको मिल जाएंगे ऐसे एरियाज जहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ें मिलते रहती है। सो उसका कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कुछ खाने को मिलेगा कि नहीं। तो हाँ, घूमते समय आप कोई ऐसा स्नैक उठा लीजिए फॉर ये जैसे मुझे पड़ा 200 रूबल्स का, और हाँ 200 इज गुड इनफ फॉर अ क्विक स्नैक। अभी ये ख़त्म करके मैं निकलता हूँ टुवर्ड्स एक्सप्लोरिंग द क्रेमलिन एरिया, और आपको दिखाता हूँ पूरा कुछ क्या क्या है यहाँ पे। सो या लेट्स गो। वैसे 2-3 कैथीड्रल्स है इस क्रेमलिन स्क्वायर के अंदर। सो अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ और कैसा है यहाँ का एनवायरनमेंट। यहाँ पे ज़्यादा क्राउड है नहीं, एंट्री के टाइम पे बहुत सारा क्राउड था, बट वो यहाँ पे आके बच जाता है क्योंकि ये स्क्वायर बहुत ही बड़ा है। टू कवर एवरीथिंग पीपल गो टू डिफरेंट प्लेसेस। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा बेल वगैरह भी है जो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। 3, 2, 1, गो। आर्कएंजल कैथीड्रल में मोस्टली रूम्स वगैरह थे, बट अंदर आपको रिकॉर्ड वगैरह करने नहीं दिया जाता। पूरे जो वॉल वगैरह वहाँ पे पेंटेड फ्रेस्कोस वगैरह में किए गए हुए थे, वही सब बताया गया था कि कैसे 16th century में उसका रीडिजाइनिंग और सब कुछ हुआ था। बारिश वगैरह शुरू हो गई है, बहुत हवा चल रही है, तो जैसे तैसे ऑडियो को बचा के मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये था आर्कएंजल कैथीड्रल। अभी उसके जस्ट अपोजिट एक और कैथीड्रल था, उसके अंदर हम जाने वाले हैं। दूसरा जो कैथीड्रल था उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे पेंटिंग्स वगैरह थी। ये भी जो कैथीड्रल था ये भी बहुत अच्छा था, और उसके अंदर बहुत सारे आइकन्स वगैरह के पेंटिंग्स वगैरह थे। और यहाँ से देखता हूँ मैं कहाँ पे जाता हूँ, जो भी क्रेमलिन का नेक्स्ट स्पॉट होगा वो आपको मैं दिखाता हूँ, और मैं भी उसके बाद बाहर निकल के मॉस्को रिवर की ओर मैं जाऊँगा। तो ये था पूरा कॉम्प्लेक्स क्रेमलिन का। यहाँ से अभी मैं निकल रहा हूँ, अभी निकलूँगा मैं टुवर्ड्स दी मॉस्को रिवर, और वहाँ उसे क्रॉस करते हुए मैं पहुँचूँगा टुवर्ड्स दी अदर कैथीड्रल विच आई एम विजिटिंग टुडे। सो हाँ, आज के दिन बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स वगैरह और हिस्ट्री की प्लेसेस जो है मॉस्को में मैंने वो विजिट की, जो मेन टूरिस्ट स्पॉट्स हैं मोस्टली, बिकॉज यही सब है यहाँ पे घूमने के लिए मॉस्को में। यहाँ पे सनसेट होने वाला है अबाउट 8 बजे, सो मेरे पास और 2 से 3 घंटे। मुझे भी इतना हिस्ट्री वगैरह तो आता नहीं है, बट डेफिनेटली अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें देखने में जो पुराने एंशिएंट टाइम से है, लाइक 16th to 19th century की पेंटिंग्स वगैरह थी, पूरा हिस्ट्री आपको जानने मिलता है इफ़ यू एंटर दिस कैथीड्रल्स एंड एवरीथिंग। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है कैथीड्रल ऑफ क्राइस्ट द सेवियर। अभी रात होने में तो टाइम है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना आपको यहाँ का जो सबसे बेस्ट मेट्रो है रिमायाकोव्स्काया मेट्रो स्टेशन, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेट्रो स्टेशन आउट हियर इन मॉस्को, आई विल शो यू गाइस हाउ इट इज। ये
ये हमारे को उसका मेट्रो स्टेशन जो आप देख ही सकते हैं कि जो ये एरिया है पूरा ब्यूटीफुली डिजाइन है. सो जस्ट चेक दिस आउट. और कुछ स्टेशन क्रॉस करने के बाद आप पहुंच जाएंगे कीव स्क्वायर मेट्रो स्टेशन, जहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे ब्यूटीफुल पेंटिंग्स वगैरह बनाई गई है. एक सेल्फी स्पॉट भी है जैसे ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये एक सेल्फी स्पॉट है यहाँ पे आपको मार्क किया हुआ है, आप यहाँ पे जाके फोटो वगैरह खींच सकते हैं. वो था सारा का सारा मेट्रो स्टेशन. मैं एक दो स्टेशन पे उतरा, अभी भी यहाँ पे देख रहे हैं आपकी रात नहीं हुई है. सो यहाँ पे अभी मैं पहुँच चुका हूँ तो बॉल्सोई थिएटर, जो यहाँ पे बहुत फेमस है, जो बैले वगैरह होता है यहाँ पे.